हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है हाउ टू जनरेट ईवे बिल विदाउट टैक्स इनवाइस। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट यदि कराना है तो ईवे बिल की उसमें आवश्यकता पड़ती है और ईवे बिल को जनरेट करने के लिए टैक्स इनवाइस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपके पास टैक्स इनवाइस नहीं है, किसी कारणवश आप टैक्स इनवाइस को नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे? तो आंसर इज़ यस। मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आप ईवे बिल बिना टैक्स इनवाइस के भी जनरेट करके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी होने वाली है। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जीएसटी में ईवे बिल जनरेट करने के लिए जनरली तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। नंबर वन है जीएसटी टैक्स इनवाइस, नंबर टू है बिल ऑफ सप्लाई, नंबर थ्री है डिलीवरी चलान। टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई तब यूज़ करना चाहिए जब सेल कन्फर्म हो चुकी हो, यानी कि सप्लाई गुड्स की हो चुकी हो। डिलीवरी चलान तब यूज़ करना है जब आपकी सेल कन्फर्म नहीं हुई है, यानी कि ऐसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आप करने जा रहे हैं जो कि सैंपल बेसिस पे या अप्रूवल बेसिस पे भेजा जा रहा है, या फिर उस गुड्स का कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलना है। पेमेंट आपको तब नहीं मिलेगा जब आप इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफ़र या स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में आपका पेमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए ऐसे केस में ईवे बिल यदि आपको जनरेट करना है तो आप डिलीवरी चलान का सहारा लेकर के ही आप ईवे बिल जनरेट कर पाएंगे। इन सिक्स केसेस में ईवे बिल जनरेट यदि करना है तो डिलीवरी चलान के द्वारा ही किया जाता है। जैसे नंबर वन है जॉब वर्क, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को प्रोसेस करने के लिए या उस पर कुछ फर्दर वर्क करने के लिए सेंड किया जाता है तो उसको जॉब वर्क कहते हैं। एसकेडी, सीकेडी और लॉट्स, यानी सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन या लॉट्स में यदि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इस केस में क्या होता है, इनवाइस पहले जनरेट हो जाती है लेकिन उसके बाद जो लॉट में जो सेंड किया जाता है गुड्स, वो डिलीवरी चलान के थ्रू ही भेजा जाता है। नंबर थ्री पे सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि अप्रूवल बेसिस पे भेजे जाते हैं, कस्टमर क्लाइंट उस गुड्स को सैंपल बेसिस पे यूज़ करता है, यदि उसको पसंद आता है तब वो सप्लाई के लिए ऑर्डर करता है। नंबर फोर पे ओन यूज़, गुड्स जो है आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, विच मीन्स कि आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी अपने वेयर हाउस पर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपने ब्रांच को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप डिलीवरी चलान के थ्रू ही भेजेंगे। एग्जीबिशन और फेयर्स, जहाँ मेले लगते हैं, एग्जीबिशन लगता है, जैसे ऑटो एक्सपो हो गया, आर्ट वर्क टू वेरियस गैलरी हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, तो इन सब एग्जीबिशन और फेयर्स में जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है वो डिलीवरी चलान के थ्रू ही की जाती है, क्योंकि ये सारे गुड्स जो है सोल्ड नहीं होते हैं, सप्लाइड नहीं होते हैं, ये जब तक एग्जीबिशन और फेयर्स में कस्टमर उसको देख के पसंद नहीं कर लेता है, जब तक वो ऑर्डर नहीं कर देता है, पेमेंट नहीं जमा कराता है, तब तक वो सेल नहीं माना जाता है। अब हम देखेंगे कि जॉब वर्क के केस में यदि डिलीवरी चलान के थ्रू हमको ईवे बिल जनरेट करना है तो हम कैसे करेंगे। हाउ टू जनरेट ईवे बिल फॉर जॉब वर्क अंडर डिलीवरी चलान, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम ईवे बिल पोर्टल पे चलकर वहां पे हम ईवे बिल को जनरेट करना आपको। डिलीवरी चलान के आधार पे ईवे बिल जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक डिलीवरी चलान हमने प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें दो पार्टियाँ हैं, जिससे के एस ऑटोमेशन आरएनएस कंस्ट्रक्शन को कुछ कंसाइनमेंट सेंड कर रही है, जिस पे कि वो वर्क करके जॉब वर्क बेसिस पे इनको रिटर्न कर देगा। तो जब भी जॉब वर्क के लिए सेंड किया जाता है आइटम्स, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, ये सब मेंशन करना होता है। एचएसएन कोड जरूर से डालना है और क्वांटिटी कितने ये मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, जो जितने वैल्यू का आइटम सेंड किया जा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिलीवरी नोट में कभी भी टैक्स अमाउंट नहीं आता है। टैक्स अमाउंट देखिए यहाँ पे नील है, तो और डिलीवरी नोट नंबर में एक ट्रैकिंग नंबर होता है जो डिलीवरी नोट नंबर के नाम से जाना जाता है,
ये नोट नंबर इम्पॉर्टेंट होता है डालना ईवे बिल में, क्योंकि यहीं से जो है ट्रैकिंग होता है। यदि ये डिलीवरी चालान सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके थ्रू सेल इनवाइस भी जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों हम ईवे बिल पोर्टल पे चल के अब हम डिलीवरी चालान के आधार पे हम ईवे बिल को जनरेट करेंगे। तो आपको ewaybill.nic.in पे आना है और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों ईवे बिल पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपको ईवे बिल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे देखिए आउटवर्ड सप्लाई आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ सब टाइप में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जॉब वर्क के लिए मैं यहाँ पे ईवे बिल जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ जॉब वर्क सेलेक्ट करना है। जॉब वर्क में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इन पे डिलीवरी चालान ऑलरेडी सेलेक्ट होकर के आ रहा है। जैसे मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे जैसे SKD CKD, तो यहाँ पे डिलीवरी चालान आ रहा है। इसके बाद फॉर ओन यूज़ में भी डिलीवरी चालान आ रहा है, एग्जीबिशन और फेयर्स में भी डिलीवरी चालान आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसमें कि आपको गुड्स यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको डिलीवरी चालान के थ्रू ही करना होगा। तो हम जॉब वर्क बेसिस पे जो गुड्स सेंड कर रहे हैं उसके लिए हम ईवे बिल जनरेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ डिलीवरी चालान और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में, जैसे कि तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको डिलीवरी नोट से ही एंटर करना है। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर मेरे केस में यहाँ पे 1 है तो मैंने वहाँ पे 1 इंटर कर दिया। डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, डेट है 30 जनवरी 2023 तो 30 जनवरी आपको लिखना है। ट्रांजेक्शन टाइप में हम यहाँ पे रेगुलर ले रहे हैं, आपके केस में जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बिल फ्रॉम में जो पार्टी जो है जॉब वर्क को माल सेंड कर रही है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस पार्टी को माल आप सेंड कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे GSTIN नंबर जब आप इंटर करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे मेरे केस में RNS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है, जैसे कि जो प्रोडक्ट आपके डिलीवरी चालान में होगा वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से डालना है। जैसे कि इस केस में मेरे ये वाला प्रोडक्ट है तो इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आपको जो भी आपका होगा वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देता हूँ और जो प्रोडक्ट का नाम होगा वही मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। HSN कोड आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। HSN कोड है 8536, तो 8536 आप इंटर कर देंगे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी है और यहाँ पे वैल्यू जो है 80,000 रुपीस है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे CGST और SGST का रेट आपको सेलेक्ट करना है 0। क्यों 0 सेलेक्ट करना है? क्योंकि डिलीवरी चालान में टैक्स का रेट हमेशा 0 रहता है, इसलिए आपको 0 सेलेक्ट करना है। 0 सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल भरनी है। आप जैसे कि आप किसके थ्रू जो है माल अपना सेंड कर रहे हैं जॉब वर्कर को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मोड है रोड के थ्रू, यदि आप भेज रहे हैं तो रोड के थ्रू है तो यहाँ पे आप रोड के थ्रू व्हीकल का नंबर आपको डालना है। व्हीकल का नंबर डालने के बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है और डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे है कुछ तो आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पिन कोड से ले लेता है डिस्टेंस। डिस्टेंस लेने के बाद फिर इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब आप ओके करेंगे यस, अब ये दोस्तों आपका ईवे बिल अभी ये जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ईवे बिल जनरेट हो चुका है जॉब वर्कर का। तो जॉब वर्क बेसिस पे यदि आप माल को सेंड करते हैं इस तरीके से ईवे बिल जनरेट होता है और यही ईवे बिल जो है एक ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है और साथ में जो डिलीवरी चालान है उसके थ्रू दिया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस डिलीवरी चालान के थ्रू ईवे बिल जनरेट करने का। ना केवल जॉब वर्क बेसिस पे जो केसेस मैंने आपको दिखाए हैं वहाँ पे उनमें से किसी भी केस में आप जो है डिलीवरी चालान के थ्रू ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं।